एक बार तुमने यदि असफलता में भी कदम बढ़ा दिए तो महावीर बन जाओगे। ये असफलता कदम रोक देती है। अब क्या होगा? अब वही होगा जो होना है। बस जिद्दी स्वभाव चाहिए, यहां जिद्दी स्वभाव चाहिए। जीवन में देखा है, जहां कहीं भय, जहां कहीं परास्त होने की बात मन ने खड़ी की है, वही अब कर परास्त। हर तरह से देखा है कि क्रॉस कर गए, निकल गए। वो अहंकार नहीं होता, वो भगवत आश्रय और अपने अभ्यास, उसमें दृढ़ता, उसमें फिसड्डी स्वभाव नहीं, रोने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। नहीं, हम रो नहीं सकते, रुलाएंगे। ये काम क्रोध बहुत रुला चुके हैं। भगवान का आश्रय लेकर हर विकार को भगाएंगे। कई बार हमने उदाहरण दिया कि जैसे वकीलों से सिद्ध हो गया कि आप अपराधी हो, न्यायाधीश ने आदेश कर दिया, फांसी पास हो गई, अब कोई नहीं काट सकता, एकमात्र राष्ट्रपति, आप निवेदन कीजिए। अगर वो क्षमा कर देता है तो वकील और न्यायाधीश सबकी बात रद्द, उसकी बात। तो हमारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण है, वो कह रहे हैं आम तो हम स्वरूपापि व्योमोक्षिष्यामि मा सुचा, आप अपना निवेदन पत्र पहुंचाइए, सजा तो निश्चित हो गई है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो माफ कर दे, खेल खत्म। भगवान उसे मोक्ष पदवी को प्रदान, इसमें बिल्कुल संशय नहीं करना चाहिए। अलग अलग जगह के अलग अलग वाक्यों का उसका उदाहरण है, शास्त्र बहुत बड़ा है। अब आप एक यहाँ की बात वहां जोड़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। एक होती है अधम, अशरण, पतित, मैं हूं, नाथ, आप पाओ, इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता।